नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक इंटरिम बजट आने वाला है, बट हम चार्ट को देख के ये यू नो अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में प्लानिंग हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से अभी के अभी लाइक सब्सक्राइब कर दे, और मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के अंदर। तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के अंदर एक रेंज बनी हुई थी। ये रेंज, ये मैंने लास्ट वीकली लाइव जब मैं आया था तब बताया था। लास्ट वीक की कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया था, और तब मैंने कहा था कि बेरिश ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा अगर ये लो को ब्रेक करता है। तो अब जैसे ही वो लो को ब्रेक किया, एक और बात हुई, और वो थी इस लो को ब्रेक करने के बाद यहां तक एक बड़ा लंबा सा गैप बना हुआ था जिसको अभी बैंक निफ्टी ने फुलफिल कर दिया है। ओके, तो पहला रीजन मैंने लास्ट वीक कहा था कि भाई फॉल अगर लास्ट वीक की कैंडल के लो को क्रॉस किया तो मिनिमम 500 पॉइंट्स का फॉल देखेंगे, और वो हमने आई थिंक मंडे या ट्यूसडे के दिन एक ही दिन में देखा, जब ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ ह्यूज फॉल एंड यू नो तकरीबन तकरीबन 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन चला गया, एंड यू नो वी सॉ बिग फॉल। अब गैप फिल हो चुका है, हमारा व्यू क्या है? एक वर्ड में कहूं तो हमारा व्यू बैरिश है, राइट? अभी फिलहाल हम यू नो कोई बुलिश ट्रेड लेने का प्लान नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे। हाँ, ये वीकली चार्ट है, उससे छोटा टाइम फ्रेम होता है डेली, उससे छोटा आवरली, उससे छोटा 15 मिनट, उससे छोटा 5 मिनट। तो अगर आप 5 मिनट्स पे चार्ट पे इंट्राडे पे कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी कोई दिखती है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वीकली चार्ट से मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जब भी आप बुलिश ट्रेड लो, जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लो, तो आपकी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, और अगर आप बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो, बुलिश ट्रेड ले रहे हो, तो आपकी क्वांटिटी 1/5 या 1/10 कर देना, सो दैट आपका रिस्क मैनेज हो जाए। सो नंबर वन थिंग, हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू बैरिश है। कहां तक? पहला टारगेट कहां पे लेके चल रहे हैं? तो पहला टारगेट हम तकरीबन तकरीबन 43,600 तक का लेके चल रहे हैं। अभी 44,866 के ऊपर है, और जो पहला टारगेट मैं रख रहा हूं वो यहां पे इस जोन के आसपास बना हुआ है, विच इज 43,566, और उसके बाद 42,137। ये वीकली टारगेट्स है, तो आई एम नॉट सेइंग कि अगले वीक में ही आ जाएगा। हाँ, अगले वीक बजट आने वाला है, इंटरिम बजट। सो अगर बजट में कोई पॉजिटिव अनाउंस है, अगला वीक ना थोड़ा मार्केट न्यूज बेस्ड रह सकता है। सो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि थर्सडे 1 फरवरी को एक इंटरिम बजट आने वाला है, उस दिन से पहले देयर विल बी स्पाइक इन वॉलेटिलिटी। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो तो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि 29, 30 एंड 31, 3 दिन, क्योंकि 26, 27, 28 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। 29, 30 एंड 31, ये 3 दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी। देखो, अब जनरली हमने इतने सालों में ये देखा हुआ है कि जब भी बजट के पहले अनसर्टेनिटीज होती है तब मार्केट ज्यादा कोई डायरेक्शन नहीं देता है। व्हाट मार्केट डज इज, ऑफ कोर्स बजट की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती है और दोनों डायरेक्शन में इधर उधर करता है, या तो उसकी जो प्रीवियस डायरेक्शन होती है जो अभी बेरिश है उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, और बजट के दिन ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये बातें भी जरा ध्यान में रखिएगा। फिलहाल मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे 3 दिन के लिए हम बुलिश ट्रेड को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, कम क्वालिटी के साथ ट्रेड करेंगे। इस बीच अगर जो टारगेट्स आपके स्क्रीन के ऊपर है 43,600 के आसपास के, अगर वहां पे आके बजट में कुछ अच्छी अनाउंसमेंट आती है तो वापस हम वहां से एक बाउंस बैक दे सकते हैं। अगर वो भी फॉल हो गया तो फिर आप 42,137 तक 1-2 वीक के अंदर उसको जाता हुआ देख सकते हो। ये प्लानिंग बैंक निफ्टी में बन रही है, लेवल से प्लान करें, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो जरूर अपने आप को हेज करें, केयरफुली ट्रेड करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।